आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ग्रेवी वाली वेज मंचूरियन। ये मंचूरियन नूडल के साथ भी खा सकते हैं या फ्राई राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। नमस्कार दोस्तों, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। ग्रेवी वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप पत्ता गोभी ली है। इसको हमने कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो इसे बारीक काट भी सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 शिमला मिर्च को बारीक काट रखी है और 1 गाजर को बारीक काट रखा है और 1 कप जितना हमने बीन्स काट रखी है, 2 हरी मिर्च काट रखी है और ढेर सारा हमने यहाँ पर लहसुन काट रखा है बारीक, और यहाँ पर 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस करके लिया है और 2 प्याज बारीक काट रखे हैं और ढेर सारा हमने यहाँ पर धनिया काट रखा है। अब हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। इसमें सबसे पहले हम पत्ता गोभी डाल देंगे और अब हम यहाँ पर 3 चम्मच गाजर डाल देंगे और 3 चम्मच हम शिमला मिर्च डाल देंगे और 3 चम्मच बीन्स डाल देंगे। अब 4 चम्मच प्याज डाल देंगे, 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक डाल देंगे, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, 1/2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 बड़ी चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 बड़े चम्मच मैदा। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिक्सर को हम हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको ये थोड़ा गीला लग रहा हो तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर मैदा और भी डाल सकते हो। हमको इसमें और कॉर्नफ्लोर मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट बना है। अब हम इसके छोटे बॉल्स बना लेंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने हैं। थोड़ा ये मिक्सरन उठाकर इसको इस तरीके से गोल बॉल्स के आकार में बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा मिक्सरन उठाकर बॉल्स बनाते रहेंगे, इसी तरह हम सारे बॉल्स बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें रिफाइंड तेल डाल देंगे। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो हमने बॉल्स बनाए थे उनको फ्राई करेंगे। अब हम बॉल्सों को एक एक करके इसमें तेल में डालेंगे। तेल हमारा बढ़िया से गर्म हुआ है। बॉल्स डालते ही तुरंत करछी से नहीं पलटेंगे, 2 सेकंड के बाद हम इनको करछी से अलट पलट लेंगे। करछी को हम धीरे धीरे चलाएंगे। अलटते पलटते हुए ये देखिए हमारे मंचूरियन का कलर चेंज हो गया है। गैस की आंच मीडियम ही रखनी है। हमारे मंचूरियन गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हमारा एक बैच फ्राई हो चुका है। सेम तरीके से हम बाकी के मंचूरियन भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे मंचूरियन फ्राई हो चुके हैं। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेसिंग में। अब हम सेम कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल ले लिया है और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे बहुत सारा लहसुन। इसको थोड़ा चला लेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसको पकाकर लहसुन और अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, इसको थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें सभी सब्जियां डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे बीन्स, फिर गाजर और शिमला मिर्च। अब हम इसमें सब्जियों को हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सब्जियों में जो क्रंचनेस है वो बना रहना चाहिए। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, 3 चम्मच सॉस डालेंगे। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है और काली मिर्च भी डाल रखी है। इसे भी मिर्च हो जाती है तो बच्चों के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मिर्च डाल रखी है। अगर आप ज़्यादा मिर्च खाते हो तो आप यहाँ पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर 1 कटोरी लेंगे, इसमें 1 चम्मच और 1/4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। इसको चम्मच से अच्छे से फेर लेंगे। ये हमारा घोल बन के तैयार है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। इसी कटोरी से हम इसमें 1 कटोरा पानी डाल देंगे और इसको चलाते हुए पकाएंगे। अगर चलाएंगे नहीं तो एक ही जगह पर जमने लग जाएगी। इसको चलाते हुए पकाना है। इसमें हम उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाल आने लग जाए तो इसमें हमने जो मंचूरियन के बॉल्स बनाए थे उनको इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी बढ़िया बनी है, एकदम परफेक्ट ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। ये हमारे गर्मा गर्म मंचूरियन बनके तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें अदरक के छल्ले डाल देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारी बहुत ही टेस्टी लाजवाब मंचूरियन बनके तैयार है। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।